हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डेरिवेटिव मार्केट के ट्रेडर्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने वहाँ पे देखा कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव में मेनली हम रिस्क को ख़त्म करने के लिए ही सारी चीज़ें करते हैं कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्ट करते हैं, वो चाहे कॉल हो, पुट हो, फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो। तो इन सब वजह से हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसी वजह से आए। और इनकी प्राइसिंग भी हमने कैसे फिक्स की, उनके अंडरलाइंग एसेट्स के बेसिस पे, जो भी एसेट्स के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर या कॉल या पुट लिया जा रहा है उसके बेसिस पे उसकी प्राइस फिक्स होती थी। तो अब बात ये उठती है कि आखिर इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को कौन लोग डील करते हैं, इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग कौन होते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में ही इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है और जो ट्रेडर होते हैं वो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेजर्स के बारे में कि हेजर्स कौन होते हैं, राइट। तो देखिए, हेजर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के, मतलब जिसे आप मेन पार्टिसिपेंट कहेंगे डेरिवेटिव मार्केट का, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहा होगा वो क्या क्या कहलाता है, हेजर्स कहलाते हैं। और हेजर्स कौन होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म जो बाय या सेल कर रही है एक्चुअल फिजिकल कमोडिटीज़। मतलब अभी आप जब स्पेकुलेटर्स के बारे में देखेंगे, आर्बिट्रेजेस के बारे में देखेंगे, तो उनके कंपैरिजन में आपको ये क्लैरिटी ज़्यादा देगा कि हेजर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मेन ट्रेडर हैं, है ना, मेन ट्रेडर्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये फिजिकल कमोडिटीज़ का रियल में बाय और सेल करने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एज्यूम करेंगे और प्रॉफिट कमाने के लिए इधर से बाय इधर सेल सिर्फ कर रहे हैं, रियल में या फिजिकल कमोडिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इनमें वाकई में फिजिकल कमोडिटीज़ में सेल या बाय होती है। मैनी हेजर्स आर प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। और जब हेजर्स को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये लोग बेसिकली एज एन हेजर्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ में आया कि हेजर्स होते क्या हैं। तो हेजिंग करते क्या हैं, तो जो हेजर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो क्या होता है कि उन जिस भी चीज़ में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखना, और जो उससे रिलेटेड रिस्क है, उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उस ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको मैनेज करना, मतलब रिस्क को मिनिमाइज करना, यही मेन एम होता है हेजर्स का, राइट। तो देयर मोटिव इज़ नॉट टू मेक प्रॉफिट बट टू मिनिमाइज रिस्क। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना नहीं बल्कि रिस्क को मिनिमाइज करना। तो देखा जाए हेजर्स क्या हो गए, हेजर्स एक प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, और ये कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी हो सकता है। इनका मेन एम होता है कि जो भी इनकी ट्रेडिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखा जाए। प्रॉफिट एम नहीं है कि प्रॉफिट कमाया जाए, बल्कि एम ये है कि इन मेरे इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं उनमें जो रिस्क अटैच है उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, और ये इसके लिए एक्चुअली बाय या सेलिंग करते हैं कमोडिटीज़ का, राइट। तो हेजेस क्या हो गया, हेजिंग, अगर ये जो हेजेस ये सारी चीज़ें जो करते हैं, इन सब को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे हेजिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हेजिंग कहेंगे। तो हेजिंग क्या हो गया, एक स्ट्रैटेजी हो गई। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी है, प्राइस रिस्क को मिनिमाइज़ करने की, कि अगर कोई एडवर्स मोमेंट आता है और उसकी वजह से हमें प्राइसेस से रिलेटेड कोई रिस्क है तो उस रिस्क को ये क्या करते हैं, हेजिंग, इस स्ट्रैटेजी में इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और वी कैन सेल से दैट इट हेल्प्स इन्वेस्टर टू रिड्यूस और इवन एलिमिनेट द चांसेस ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइसेस। तो बेसिकली अगर हम इस तरह से भी कहें कि ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि अगर पर्टिकुलरली जिस चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई रिस्क है तो ये उस रिस्क से होने वाले लॉस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। मतलब हेजिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है, इस तरह का रिस्क जिससे आपको लॉस हो सकता है उस लॉस को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, अपने रिस्क को कम करने की, उस रिस्क को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। इसी के लिए आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्ट करते हैं। आप फॉरवर्ड में जाते हैं, फ्यूचर जानते हैं, या फिर आप कॉल में जाते हैं या पुट, मतलब आप किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट करते हैं। किस लिए, कि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके। और याद रखिए कि आप बीइंग एन हेजर ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या होलसेलर, मतलब आपका एक्चुअल बिजनेस इंटरेस्ट है, आपके खुद के बिजनेस का, आपके खुद के प्रोडक्ट के लिए आप ये करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कि जैसे एक वीट फार्मर है, ठीक है, और वीट फार्मर क्या करता है, स्प्रिंग सीजन में अपने प्लांट्स को
अपने सीड्स की प्लांटिंग करता है, राइट। और जब फॉल सीजन मतलब ऑटम सीजन जब आएगा तो उसकी हार्वेस्टिंग करेगा। तो वो अभी जब अपने सीड्स की प्लांटिंग किया है स्प्रिंग सीजन में, तो उसने देखा कि ऑटम में जब आएगा तो हमारा प्राइस मिल जाएगा, हम उसे सेल करेंगे, वो प्राइस से अर्न करेंगे। लेकिन इस बीच में जब स्प्रिंग से ऑटम सीजन उसका आता, ऑटम में हार्वेस्टिंग होती है और तब सेल होता, तो इस बीच में इस इंटरवेनिंग मंथ में उसे ऐसा डर लगता है ना, उसको इस चीज़ का डर होता है, फियर होता है कि अगर इस प्लांट की प्राइस स्प्रिंग ऑटम सीजन में डाउन हो गई, तो अगर प्राइसेस फॉल कर जाएंगी ऑटम सीज़न में या फॉल सीज़न में, तो उस केस में मुझे लॉस हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्ट कर सकता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट कर सकता है। और अब अगर ये ट्रेडर या फार्मर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो हेजर कहलाएगा। सो इसने क्या किया, व्हेन ही प्लांट्स हिज वीट ही कैन ऑल्सो सेल अ 6 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट अ करेंट प्राइस ऑफ ₹400 अ बुशल, दिस इज़ नोन एज फॉरवर्ड हेज, राइट। तो उसने क्या कर लिया, उसको ये जो डर था कि प्राइस अगर जब ऑटम सीजन में आएगी गिर जाएगी, तो उसने आज ही जब उसने अपनी वीट की प्लांटिंग की है स्प्रिंग सीजन में, इसी वक्त उसने आगे के 6 महीने के लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आने वाले 6 month के बाद पर्टिकुलर डेट को आपको ये वीट जो है सेल करेंगे और ₹400 में सेल करेंगे पर बुशल, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ये अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया, अब हमें कोई डर नहीं है कि 6 महीने के बाद जो मेरा ये डर था कि प्राइस डाउन हो जाएगी, उस डर से मैंने अपने आप को बचा लिया कि कम से कम आज हम जिस प्राइस पर देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है, आज से 6 महीने बाद वो प्राइस हमने रख ली, फिक्स कर ली, उतना तो हमें मिल ही जाएगा, राइट। अब आपको लॉस नहीं होगा, हाँ प्रॉफिट कम हो सकता है, प्राइसेस मान लीजिए डाउन हो गई, नहीं हुआ तो आपने क्या कर लिया, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको इसी प्राइस पे मार्केट में सेल करना होगा, और जिसने परचेस कर रखा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट में जो सेकंड पार्टी, वो उतने में ही परचेस करेगा। तो भले ही आप बहुत प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे, लेकिन हाँ अब आप लॉस में नहीं जाएंगे। आपको जो डर था कि 400 से कम प्राइस हो जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा, ये लॉस खत्म हो गया। तो आपने क्या कर लिया, आपने फॉरवर्ड हेज कर लिया, आपने अपने रिस्क को हेज कर लिया, मिटिगेट कर लिया, मिनिमाइज़ कर लिया थ्रू अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से जब आप करते हो तो आप क्या कहलाते हो, आप हेजर कहलाते हो। तो आप क्रक्स देखिए, एक हेजर का बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, उसका अपना बिजनेस होता है, अपनी ट्रेडिंग होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका इंटरेस्ट होता है। दूसरी चीज़ एक्चुअली सेल या परचेज होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कही जा रही है, एक्चुअल सेल एंड परचेज होनी होती है, ठीक है। आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हेजिंग कर रहे हैं, आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को के पीछे आपका जो रीज़न है वो प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने रिस्क को ख़त्म करना। तो जो हेजर्स होते हैं वो एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जो रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते, वो लॉस से बहुत डरते हैं, और लॉस को ख़त्म करने के लिए वो कई बार अपने प्रॉफिट को भी छोड़ देते हैं। हो सकता था कि ये 400 की जगह 450 प्राइस फ्यूचर में हो जाती, लेकिन आपने आज डर से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 400 का, तो आप जो ₹50 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते थे पर बुशल, अब वो आपने छोड़ दिया। तो कई बार ये हेजर्स अपने लॉस को बचाने के लिए इवन प्रॉफिट भी छोड़ देते हैं, बस उनका मेन मोटिव होता है लॉस ना हो, रिस्क, वो लॉस के रिस्क से बचना चाहते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेकुलेटर, ये तो हेजर हो गए, स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, तो स्पेकुलेटर्स वो ट्रेडर होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, वो रिस्क को कम करने के लिए नहीं, वो तो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लवर होते हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, प्रॉफिट कमाने का ही मेन ऑब्जेक्टिव है उनका, कोई रिस्क मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं ना, रिस्क लवर होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क इसीलिए लेते हैं कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू एंटिसिपेटिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, और ये जो ये रिस्क ले रहे हैं, ये रिस्क किस चीज़ से रिलेटेड है, उनका फ्यूचर में क्या प्राइस हो जाएगा, जो स्टॉक बॉन्ड शेयर्स जिसमें भी वो डील कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट होने वाली है, इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी प्राइस मूवमेंट वाली होने वाली है, उसके बेसिस पे, उसी के रिस्क के बेसिस पे स्पेकुलेटर्स प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन को हम स्पेकुलेटर कहते हैं। तो ये जो प्राइस मूवमेंट फ्यूचर को में जो प्राइस मूवमेंट होने वाली, उसके लिए जो रिस्क ले रहे हैं, तो बेसिकली वो इस होप से होते हैं कि वो उससे क्या करेंगे, गेन
कमाएंगे और इतना ज़्यादा गेन होगा कि जो रिस्क वो ले के चल रहे हैं वो रिस्क अपने आप ऑफसेट हो जाएगा। कि अगर हमें है कि डर है कि अगर रिस्क अगर लॉस हुआ तो 200 का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर गेन हुआ ना तो 500 का गेन होगा। तो वो इतना हैवी अमाउंट ऑफ गेन होगा कि अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क के जो लॉस होगा उस लॉस के रिस्क को वो ऑफसेट कर जाएगा। कि अगर लॉस हुआ भी तो कितना, 200, और अगर लॉस नहीं हुआ तो हम 500 का प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब ज़्यादा कमाएंगे। तो इस तरह से स्पेकुलेटर्स का मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दे डू नॉट हैव एनी बिजनेस इंटरेस्ट, उनका खुद का बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्ट उनका नहीं, कि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका ट्रेडिंग है, उनका बिजनेस चल रहा है और उसकी वजह से उसको उस रिस्क से उस लॉस से बचने के लिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट या डेरिवेटिव खरीद रहे हैं। नहीं, वो इस डेरिवेटिव में, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में इन्वॉल्व इसलिए हो रहे हैं, इस मार्केट में इसलिए आए हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, उनका खुद का कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर में जो चीज़ें हैं उसका अनुमान लगा रहे हैं। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? जो अनुमान लगाते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं। तो फ्यूचर में प्राइसेस को प्रिडिक्ट करके इस बेसिस पे, अपने प्रोडक्शन के बेसिस पे कि मेरी प्रोडक्शन कितनी स्ट्रांग है ना, उस फर्म डिटर्मिनेशन के बेसिस पे वो रिस्क लेते हैं। तो दे आर रेडी टू टेक बिगर रिस्क बाय बेटिंग ऑन द लाइकलीहुड ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। थोड़े से भी प्राइस चेंज से वो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक नॉर्मल लाइफ में सुना होगा लाइफ में कि लोग बेटिंग करते हैं, बेटिंग करते कि इतना हो जाएगा और इतना हम कमा लेंगे, है ना। तो ये सब क्या, यही काम है स्पेकुलेटर का। एक्चुअली जो आप बेटिंग में सुनते हैं ना, स्पेकुलेटर एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। ये सिर्फ रिस्क ले रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे, अपनी मूवमेंट्स के, अपने अनुमान, अपने प्रोडक्शन के बेसिस पे। एक्चुअली कुछ नहीं है, वो जो एज्यूम कर रहे हैं उस बेसिस पे वो रिस्क लेने को रेडी हैं। सो देखा जाए इन टोटल, तो स्पेकुलेटर बेसिकली क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं एसेट्स का इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो प्रॉफिट कमाएंगे अगर कुछ भी प्राइस में चेंज होगी, राइट। तो वो प्राइस के थोड़े से भी मूवमेंट से प्रॉफिट करने के मोटिव से, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से क्या करते हैं, बाइंग या सेलिंग करते हैं एसेट्स का। दस स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स हेयर इंटर इनटू अ ट्रेडिंग बाय आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्लैक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। तो जिस भी डेरिवेटिव को वो ऑप्ट करने वाले हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड और कॉल पुट, जो भी डेरिवेटिव वो लेने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है जिसके लिए वो डेरिवेटिव यूज़ किया जा रहा है, उस एसेट्स की फ्लैक्चुएशंस की प्राइस में क्या फ्लैक्चुएशंस होने वाली है उसको वो समझ जाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव्स की बाय या सेल करते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए, जैसे कि नॉर्मली समझिए कि जैसे मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कल को प्राइस बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि कल को ज़्यादा जाएगी, इसलिए मैंने आज सब खरीद लिया और कल जैसे ही प्राइस ज़्यादा गई मैंने फटाक से सेल करके प्रॉफिट कमा लिया। तो मैंने रिस्क लिया ना, कल वाकई में अगर ना जाता जैसा मैंने सोचा था तो मुझे लॉस हो जाता, लेकिन मैंने रिस्क लिया तो ये मैं क्या हो गई, स्पेकुलेटर हो गई। और मैंने ये सब क्यों किया, उस शेयर्स को मैंने क्यों परचेज़ किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे और फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो मैं सेल कर दूंगी। तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने आज परचेज़ किया, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का मोटिव नहीं था, मेरा खुद का बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ क्लियर कट प्रॉफिट कमाना ही मेरी मोटिव था, राइट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि सपोज़ एक ट्रेडर है ए, जो कि बिलीव करता है कि ABC कंपनी का जो स्टॉक है उसकी प्राइस जो है कुछ टाइम के बाद वो इंक्रीज़ करने वाले हैं, राइट। तो वो क्या करता है, उसने ABC कंपनी के जो स्टॉक है उसको आज ही बाय कर लिया, आज परचेज कर लिया इस बेसिस पे कि कल को उसकी प्राइसेस मूव करेंगी अपवर्ड और तब वो उसको सेल कर लेगा। इसने रिस्क लिया है, रिस्क से खुद को बचाया नहीं है, रिस्क लिया है। अब कल अगर वाकई में प्राइस अप नहीं हुई तो तुम्हें लॉस हो सकते हैं, है ना। और आज इतने में ख़रीदी उससे भी कम प्राइस हो जाए तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन आप ये रिस्क लेने को रेडी हो क्योंकि आप ये मान रहे हो कि बढ़ेगा तो इतना बढ़ जाएगा कि मेरा जितना भी मैं रिस्क ले रहा हूँ लॉस का, कि अगर हुआ तो इतने का लॉस होगा, वो रिस्क अपने आप ऑफसेट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट क्या होता है, आइदर कुड बी या आइदर वे। सपोज़ हम ये मानते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस थी वो स्टॉक की 50 रुपये थी और एक महीने के बाद वो प्राइस कितनी हो गई, 70 हो गई। तो उस केस में तो ABC में जो ए थे उन्होंने जो उसके स्टॉक खरीद रखे तो उसमें उनको प्रॉफिट हो गया, ट्वेंटी रुपीज़ आप जो भी समझ लीजिए, उनको पर स्टॉक फ़ायदा मिल गया,
लेकिन अगर एक महीने के बाद वही प्राइस डाउन हो जाती तो जो 50 के आपने खरीद के रखा था कि आगे फ्यूचर बढ़ेगा और आप कमा लेंगे, तो अगर 70 हो गया तो 20 कमा लिया वो तो ठीक है, पर अगर वो ड्रॉप हो गई प्राइस तो अब वो 50 जो आपने परचेज़ किया तो वो 30 के आ गए तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस भी हो गया। तो यहाँ आप रेडी हैं दोनों के लिए, आप रिस्क लेने को रेडी हैं। किस लिए? क्योंकि आपको आपके प्रेडिक्शन पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है, आपको पता है कि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वैसा ही होगा, तभी आप स्पेकुलेटर बनते हो, राइट? तो स्पेकुलेटर कैसे हो गए? रिस्क लवर हो गए, रिस्क टेकर हो गए। उनका अपना कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट? वो परचेज और सेल्फ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट कमा सकें, उनका खुद का कोई इंटरेस्ट किसी बिजनेस में नहीं, वो बिजनेस से किसी तरीके से रिलेट नहीं करते हैं। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनका कोई, आप कह लो कि वो मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर है, प्रोड्यूसर नहीं, वो एक ब्रोकर की तरह है जो सिर्फ कमाने के लिए बैठा है, है ना? तो ये हो गए स्पेकुलेटर्स। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज़ आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं? तो देखिए, आर्बिट्रेजर्स ना बिल्कुल बीच वाले पर्सन होते हैं। वो ऐसे हो गए ना कि ना तो वो रिस्क से बचना चाह रहे हैं और ना रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो हमेशा सेफ पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो आर्बिट्रेजर इज़ अ पर्सन हु साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम डिफरेंट मार्केट इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंट इन प्राइसेस। तो आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वो जो कुछ भी करने वाले हैं, बाय या सेल, वो साइमल्टेनियसली करने वाले हैं, मतलब एक साथ करने वाले हैं। अगर एक मार्केट में वो बाय करेंगे तो सिमिलरली एट द सेम टाइम वो दूसरे मार्केट में सेल कर रहे होंगे, मतलब वो बाय और सेल किसी गैप में नहीं करने वाले, जैसा कि हेजर या स्पेकुलेटर करते हैं। आर्बिट्रेजर का क्लियर कट है एट द मोमेंट क्या होगा उसके बेसिस पे ही वो काम करेंगे। तो देखा जाए तो आर्बिट्रेजर कभी भी लॉस में नहीं रहते हैं, अगर होगा तो गेन होगा, वरना ये आर्बिट्रेजर होगा ही नहीं। इस तरह से आर्बिट्रेजर्स की सिचुएशन होती है। ये आर्बिट्रेजर्स कैसे होते हैं? ये प्रॉफिट इसी बेसिस पे कमाते हैं जब प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, अलग अलग मार्केट में वो एक साथ डील करेंगे अलग अलग प्राइसेस पे, और उसके डिफरेंस से ही वो क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। सो आर्बिट्रेजर आर जनरली रिस्क फ्री, वो रिस्क लवर भी नहीं है और रिस्क एवर्सर भी नहीं, रिस्क से बचना भी नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, उनको रिस्क लेना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रिस्क से, वो रिस्क जानते ही नहीं। खुद को रिस्क से बचाने के लिए वो कोई डेरिवेटिव खरीद रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना? या रिस्क लेने के लिए वो डेरिवेटिव में जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है, वो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं। बल्कि मार्केट जो चल रहा है और मार्केट में जो मिसलीडिंग है प्राइसेस की, प्राइस में जो वेरिएशन है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? तो ये रिस्क फ्री होते हैं बिकॉज दे सीक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बाय बाइंग एंड सेलिंग देम क्विकली इन डिफरेंट मार्केट। तो मैंने पहले ही दो टॉप पॉइंट्स में हमने ये क्लियर कर दिया कि ये लोग क्या करेंगे, दो अलग मार्केट में डील करेंगे, सेम टाइम में डील करेंगे। और क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि पर्टिकुलर एक ही सिक्योरिटीज़ की दो मार्केट में अलग अलग प्राइस होती है। मिसलीडिंग, मार्केट की गलती की वजह से आर्बिट्रेजर्स आते हैं और आर्बिट्रेजर की वजह से ही मार्केट इक्वल हो जाता है। आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि आर्बिट्रेजर्स, जैसे मोदी ग्लेनी मिलर अप्रोच में आर्बिट्रेजर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। MM हमेशा कहता है कि आर्बिट्रेजर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो आप ये कहो कि डेब्ट या इक्विटी कौन सही है, डिविडेंड वो कौन सा है, तो वो सीधा कहते हैं कि आर्बिट्रेजर एक ऐसा चीज़ है जो सबको इक्वल कर देने वाला है। तो बेसिकली जो दो मार्केट है और मार्केट की रॉन्ग, मतलब मार्केट की गलतियों की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से, एक जगह एक ही सिक्योरिटी का प्राइस कुछ है और एक जगह एक ही सिक्योरिटीज़ का प्राइस, सेम सिक्योरिटीज़ का प्राइस कुछ और है, तो प्राइस में डिफरेंस आ गया। आर्बिट्रेजर वो पर्सन होते हैं जो इसी डिफरेंस को ढूंढते हैं और जैसे उन्हें वो मार्केट मिल जाता है जहाँ पे डिफरेंस है, एक ही सिक्योरिटीज़ अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस में ट्रेड हो रही है, तो बस आर्बिट्रेजर्स क्या करेंगे, एक जगह परचेस करेंगे दूसरी जगह सेल करेंगे। एक्चुअली वो ना परचेस कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, वहाँ से बाय का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेल का ऑप्शन ऑप्ट कर देते हैं, वहाँ से खरीदा यहाँ सेल कर दिया, दोनों ऑफसेट हो गया और बीच का प्रॉफिट उनका हो गया। तो वो कुछ भी नहीं, ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कुछ, सीधा प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमा लेते हैं। और ये जो प्राइस डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड, है ना? जैसे सपोज करिए मार्केट ए मार्केट बी है, दोनों में अलग अलग प्राइस हो रहा है एक ही सिक्योरिटीज़ का, तो ये जो डिफरेंस है मार्केट में प्राइसेस का वो स्प्रेड कहलाता है और ये इसी स्प्रेड का फ़ायदा उठाते हैं और इसी से प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? तो दीज पार्टिसिपेंट्स एम टू गेन फ्रॉम मिस प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या मार्केट मिस्टेक्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स की या सिक्योरिटीज़ की जो गलत प्राइसिंग हो गई है अलग अलग मार्केट में, उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह के पर्सन को आर्बिट्रेजर कहते हैं। और मोदी गिलानी मिलर ने आर्बिट्रेजर को क्यों कहा और आर्बिट्रेजर को ये भी क्यों कहा गया कि आर्बिट्रेजर ही ऐसे लोग हैं जो दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक जगह से बाय करेंगे एक जगह सेल करेंगे। जैसे दो जगह गलत प्राइस हो गई दो मार्केट में,
एक मार्केट में ज़्यादा एक मार्केट में कम प्राइस हो गई, तो ये क्या करेंगे, एक जगह से परचेज एक जगह सेल, एक जगह से परचेज एक जगह से सेल, वो इतना करेंगे कि अपने आप मार्केट की प्राइसेस इक्वल हो जाएंगी। मतलब इसका क्या हो गया कि जैसे मार्केट ए में प्राइस बहुत ज़्यादा है और मार्केट बी में प्राइस उसी सिक्योरिटी की कम है, तो ये क्या करेंगे, कम वाले मार्केट से परचेज करना शुरू करेंगे और बार बार परचेज करेंगे, और जो मार्केट ए है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखी गई हैं वहाँ पे बार बार सेल करेंगे। तो मार्केट ए में क्या सिचुएशन बन रही है, इतना ज़्यादा ये सेल करेंगे कि सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएंगे, तो ये जो बढ़ा हुआ था प्राइस वो अपने आप मिनिमम आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। और इधर मार्केट बी जहाँ प्राइस कम लगी थी जिससे वो बार बार परचेज कर रहे थे, तो जब यहाँ से वो बार बार परचेज करेंगे तो इतना डिमांड क्रिएट कर देंगे कि अपने आप प्राइस बढ़ जाती है और यहाँ की प्राइस और वहाँ की प्राइस डाउन हो गई और दोनों क्या आ गए, सेम पोजीशन पे आ गए। तो आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, एक इक्वल पोजीशन ला के खड़ा कर देते हैं, राइट। तो आर्बिट्रेजर सिर्फ गेन कमाने के लिए हैं, वो लॉस में आते ही नहीं, उन्हें कभी भी लॉस नहीं होता है, उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है, उनके जो शेयर्स उनके जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट ए और मार्केट बी दोनों जगह लिस्टेड है, मार्केट ए में भी वो लिस्टेड है और मार्केट बी में। अब मैं कहने को कह सकती हूँ कि एक बीएससी में लिस्टेड है और एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो एक ही सिक्योरिटी जैसे रिलायंस है, रिलायंस यहाँ पे आपके स्टॉक मार्केट में भी, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, बीएससी एनएससी में लिस्टेड है, और वहाँ पे आप वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। तो यही बात कह रहे हैं कि एक ही सिक्योरिटीज दो अलग अलग मार्केट में लिस्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, द प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इन मार्केट ए इज $17, तो एक्स वाई जेड का जो सिक्योरिटी है उसकी मार्केट ए में जो प्राइस चल रही है वो $17 से चल रही है। वही मार्केट बी, जैसे मैंने कहा ना कि रिलायंस का यहाँ के मार्केट में कितना है $17, और रिलायंस का वहाँ के मार्केट में कितना हो गया $20, राइट। मतलब सेम प्राइस में आप सेम उसमें रखेंगे, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, एक जगह 17 है एक जगह 20 है। तो अब मिस्टर ए जो कि आर्बिट्रेजर है वो क्या करेंगे, वो जहाँ पे कम प्राइस है मार्केट ए वहाँ से वो क्या करेंगे, 100 सिक्योरिटीज़ एक्स वाई जेड की बाय कर लेंगे, राइट। और साइमल्टेनियसली तुरंत वहाँ पे क्या कर देंगे, मार्केट बी में तुरंत क्या कर देंगे, उसको 100 सिक्योरिटीज़ को सेल करने का ऑप्शन रख देंगे, कितने पे, 20 पे। तो यहाँ से उसने 1700 में परचेज़ किया और वहाँ उन्होंने 20 रुपीज़ पर शेयर्स, मतलब 2000 में उन्होंने सेल कर दिया और 300 का प्रॉफिट कमा लिया। अब 300 में उन्होंने ट्रांजेक्शन फ़ीस दी थी, क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, $50 ट्रांजेक्शन फ़ीस दे दी, तो भी $250 का उन्होंने अर्निंग कर लिया, राइट। तो यहाँ तो उनका कोई लॉस ही नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मिसलीडिंग प्राइसेस है उसका बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने अर्निंग कर ली, उन्होंने गेन कमा लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेजर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स होते हैं, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आर्बिट्रेजर्स कैसे प्राइसेस को इक्वल कर देते हैं, वो भी यही तरीका होता है, डिमांड और सप्लाई, इतनी डिमांड करेंगे कि प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, इतनी सप्लाई कर देंगे कि प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएंगे, और इस हिसाब से क्या हो जाता है, जो मिसलीडिंग प्राइसेस की, तो वो एक साइमल्टेनियस या इक्वल प्राइस में आ जाती है। तो आर्बिट्रेजर क्या होते हैं, रिस्क लेते ही नहीं है, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, रिस्क लवर होते हैं, और हेजर क्या होते हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं, है ना, रिस्क से बचने के लिए वो इस डेरिवेटिव इस मार्केट में आते हैं। हेजर्स क्या होते हैं, वो कोई ना कोई उनका अपना बिजनेस होता है, मतलब वो या तो प्रोड्यूसर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर, उनका कुछ है, उनका खुद का बिजनेस है, इसलिए वो रिस्क से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस मार्केट में आते हैं। जबकि स्पेकुलेटर क्या होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। और आर्बिट्रेजर तो क्लियर कट गेन कमाने चाहते हैं, उनका कुछ भी नहीं है और वो लेना देना एक्चुअल मोड में होता भी नहीं, वो एक सिक्योरिटीज में दिखाते हैं परचेज, दूसरी साइड दिखाते हैं सेल, वहाँ से आया यहाँ पे गया ऑफसेट हो जाता है। तो ये होते हैं आर्बिट्रेजर। आई होप आपको तीनों क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।